Today we will discuss about section 1.5 which is nested quantifiers. ठीक है, chapter number 1 हम discuss कर रहे हैं और section है nested quantifiers. तो सबसे पहले हम discuss करते हैं कि ये nested quantifiers क्या हैं. पिछले section के अंदर हमने बेटा discuss किया था कि scope of the quantifiers. ठीक है, तो ये अगर उसी scope को मद्देनजर रखें तो अब देखेंगे अगर इफ वी हैव टू क्वांटिफायर्स वी कॉल देम नेस्टेड इफ वन इज विद इन द स्कोप ऑफ अदर वन. ठीक है, तो अगर एक दूसरे के स्कोप के अंदर है तो हम कहेंगे कि वो नेस्टेड है. फॉर एग्जांपल आपके सामने इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है तो देखें यहाँ पे राइट साइड पे जो पिक्चर है उसमें लिखा हुआ है फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे बेटा दो क्वांटिफायर इस्तेमाल हो रहे हैं, यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल. अब जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है वो क्या है, वो यूनिवर्सल के स्कोप के अंदर आ रहा है. तो ये जो ब्लू बॉक्स है, ये सारे का सारा जो ब्लू बॉक्स है इसको हम क्यू एक्स भी कह सकते हैं, क्यू एक्स. ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम देयर एग्जिस्ट वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो इस सारे के सारे को क्यू एक्स कह दें तो ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पर देखेंगे देयर एग्जिस्ट वाई क्यू एक्स, बेसिकली ये सीन है इसका. ठीक है, अब ये जो क्यू एक्स है इसके अंदर क्या आ रहा है, अगर हम गौर करें तो इसके अंदर आ रहा है देयर एग्जिस्ट वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो जो कि रेड रेक्टेंगल के अंदर आपको नजर आ रहा है. ठीक है, तो ये इसको क्यू एक्स इज बेसिकली देयर एग्जिस्ट वाई पी एफ एक्स कॉमा वाई. ठीक है, और देयर एग्जिस्ट वाई पी एक्स कॉमा वाई. ठीक है, इसके स्कोप के अंदर क्या आ रहा है, तो अगर देखें तो ये जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है इसका स्कोप पी एक्स कॉमा वाई तक है. ठीक है, और पी एक्स कामा वाई बेसिकली हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो. तो ये इसको हम कहते हैं नेस्टेड क्वांटिफायर्स. ठीक है, तो अगर हमारे पास मल्टीपल क्वांटिफायर इकट्ठे आ रहे हैं तो कौन किसके स्कोप के अंदर होगा. ठीक है, तो वो नेस्टेड क्वांटिफायर होंगे. तो इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने नेस्टेड लूप्स भी पढ़े हुए हैं. ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो ऐसे ही मिलता जुलता कंसेप्ट है उसके साथ. ठीक है, ये नेस्टेड क्वांटिफायर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल अब हम इसकी एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू इंग्लिश. ये देखेंगे फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स. ठीक है, तो डोमेन हमारे पास रियल नंबर्स हैं. जब हम इसको इंग्लिश में करेंगे तो कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स एंड वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स. ठीक है जी, इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है. ट्रांसलेट दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू इंग्लिश. फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई. अगेन हमारे पास डोमेन जो है रियल नंबर्स हैं, तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो होगा फॉर एवरी रियल नंबर एक्स. ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं कि फॉर ऑल रियल नंबर एक्स. ठीक है, दोनों एवरी ऑल दोनों ठीक है. देयर इज अ रियल नंबर वाई. ठीक है, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आ रहा है, इसका मतलब कम से कम एक, कम अज कम एक रियल नंबर हमारे पास वाई है सच दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई. ठीक है, अब फर्ज करें एक और एग्जाम्पल है. ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टू इंग्लिश. फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई एक्स ग्रेटर देन जीरो कंजंक्शन आ रही है, वाई लेस देन जीरो इम्प्लाइज, ये होल जो हमारे पास दोनों पार्ट्स हैं इम्प्लाइज एक्स इन टू वाई लेस देन जीरो. ठीक है, और अगेन डोमेन रियल नंबर्स की है. ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, ये क्या है बेसिकली. तो अगर हम इसको सिंपली ट्रांसलेट करें एज इज, ठीक है,
तो जो हमारे पास आएगा वो बेटा जी आएगा, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स एंड वाई, इफ एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव, ठीक है, इफ एक्स इज पॉजिटिव, देखिए एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो हम कह रहे हैं इफ एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव, तो वाई लेस देन जीरो है तो इसका मतलब वाई इज नेगेटिव, इफ आर ये है तो इसका मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट है, देन एक्स वाई इज नेगेटिव, तो ये देखिए एक्स वाई इज लेस देन जीरो है तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अगर हम इसी स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा फिनिश करें और इसको बेहतर अंदाज में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड ए नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज अ नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है बेटा। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ क्वांटिफायर्स, बेटा ये हम पिछले सेक्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं और अगेन हम यहाँ पे एक दफा फिर डिस्कस कर लेते हैं कि जो ऑर्डर है अगर तो सेम सिमिलर क्वांटिफायर्स हैं तो फिर वहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट क्वांटिफायर्स हैं तो फिर ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास है डिफरेंट क्वांटिफायर्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास है पी एक्स वाई इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो हमारे पास है जी एक्सप्रेशन फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी एक्स वाई, तो डोमेन हमारे पास रियल नंबर्स की है, तो फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स देयर इज अ रियल नंबर वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। बेटा ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगी, हमारे पास ऐसे रियल नंबर मौजूद हैं कि फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स, कि तमाम रियल नंबर एक्स के लिए कम अज कम एक वाई मौजूद है जो कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के ऊपर पूरा उतर रहा है। वो कैसे उतर रहा है वो स्टेटमेंट को देखें कि अगर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है तो हम इसको अगर वाई ले लें तो एक्स को दूसरी तरफ मूव करें तो वाई इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, तो आप देखें कि हमारे पास क्या है हर रियल नंबर के एक्स के लिए एक वाई मौजूद है, ठीक है जी, और ये ट्रू स्टेटमेंट है तो इसको हम कहेंगे कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है जी। और दूसरी स्टेटमेंट बेटा हमारे पास है कि देर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स पी एक्स कॉमा वाई, और डोमेन है रियल नंबर्स। अब इसमें देखिए हमने जो ऑर्डर है क्वांटिफायर का वो चेंज कर दिया है, तो अब ये क्या कह रही है स्टेटमेंट, देर इज अ रियल नंबर वाई सच दैट फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो ये स्टेटमेंट बेटा फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कम्बिनेशन नहीं है जिसमें हम एक एक्स ले रहे हैं, कोई एक लाइक 1 2 3 4 कोई कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं और वाई तमाम रियल नंबर्स के साथ उसकी जो वैल्यू 10 हो, ठीक है, तो ऐसा कोई हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे ये कंडीशन हमारे पास इसकी जो लॉजिकल एक्सप्रेशन ये स्टेटमेंट है ये इसकी ट्रुथ स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी एक्स वाई इज नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट टू देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स पी एक्स वाई, ठीक है। अब बेटा हमारे पास क्वांटिफिकेशन ऑफ टू वेरिएबल्स आ रही है, इसमें हम देखें कि हमने इसको कैसे डील करना है, ये कब ट्रू होंगी और कब फॉल्स होंगी, ठीक है। तो फर्ज करें हमारे पास जो इस टेबल के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है इसमें देखेंगे जो पहली रो है क्वांटिफिकेशन की उसमें फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई पी एक्स कॉमा वाई, और फिर इसी क्वांटि जो क्वांटिफायर्स है उसको दूसरी तरतीब में लिखा हुआ है फॉर ऑल वाई फॉर ऑल एक्स पी एक्स वाई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगी और ये स्टेटमेंट फॉल्स कब होगी, तो बेटा ये स्टेटमेंट ट्रू होगी पी एक्स कॉमा वाई इज ट्रू फॉर एवरी पेयर एक्स वाई, ठीक है। तो ये इसको बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपने जरा फोकस करके इसको समझना है कि अगर हर पेयर फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई अगर हर पेयर ट्रू है तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है जी। अगर हर हर पेयर के ऊपर ये पूरा उतर रही है तो फिर हम कहेंगे कि ये ट्रू है, ठीक है। आपको पता है कि हमारे पास इस यूनिवर्सल क्वांटिफायर के बिहाइंड कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है, इसके बिहाइंड हमारे पास कंजक्शन का ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है एंड का ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है,
और वो ऑपरेटर ऐसा है कि उसमें जितने भी हमारे पास अलग अलग सी स्टेटमेंट्स हैं, अगर वो ट्रू होंगी तो फाइनल आंसर ट्रू होगा, ठीक है। पी क्यू आर हमने देखा था, अगर वो सब ट्रू होंगी तो फिर फाइनल आंसर ट्रू होगा, अगर उसमें कोई एक भी फॉल्स होगी तो फाइनल आंसर फॉल्स हो जाएगा। अब ये फॉल्स कब होगी? देर इज अ पेयर एक्स वाई फॉर विच पी एक्स वाई इज फॉल्स, यानी कि कोई एक अगर हमारे पास पेयर फॉल्स हो जाएगा तो क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है यूनिवर्सल की टू वेरिएबल के साथ। उसके बाद हमारे पास है अगली, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी एक्स वाई, तो ये कब, ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगी, कब फॉल्स होगी। फॉर एवरी एक्स देयर इज अ वाई फॉर विच पी एक्स वाई इज ट्रू, ठीक है। हर एक्स के लिए कम अज कम एक वाई मौजूद है, ठीक है। मल्टीपल वाइज भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक वाई मौजूद है जिसके ऊपर इसकी कंडीशन ट्रू होगी, तो तब उस सूरत में ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। और ये फॉल्स कब होगी? देर इज एन एक्स सच डेट पी एक्स वाई इज फॉल्स फॉर एवरी वाई, ठीक है। तो हमारे पास कोई एक एक्स है जिसकी हर वाई के लिए इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, तो फिर उस सूरत हाल में ये फॉल्स होगी। ऐसे ही हमारे पास थर्ड है, देर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल, देर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई पी एक्स वाई, ठीक है। तो ये ट्रू कब होगी? देर इज एन एक्स फॉर विच पी एक्स वाई इज ट्रू फॉर एवरी वाई, ये एक एक्स है, कम से कम एक एक्स है जिसकी हर वैल्यू वाई के लिए ये कंडीशन ट्रू है। और ये फॉल्स कब होगी? फॉर एवरी एक्स देर इज अ वाई फॉर विच पी एक्स वाई इज फॉल्स, ठीक है। तो एवरी एक्स, हर एक्स के लिए कम से कम एक वाई है जिसके ऊपर ये कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। और लास्टली हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स हैं, दोनों एक्स और वाई दोनों एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स हैं और मुख्तलिफ तरतीब से लिखे हुए हैं। तो इसमें ये ट्रू कब होगी? देर इज अ पेयर एक्स एक्स वाई फॉर विच पी एक्स वाई इज ट्रू, दोनों का सिर्फ एक, कम से कम एक पेयर तो है जिसके ऊपर ये ट्रू है, तो ये ट्रू होगी, ठीक है जी। ये आपको पता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के बिहाइंड हमारे पास डिस्जंक्शन का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, आर का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, और आर में आपको पता है कि अगर एक भी ट्रू है तो वो होल रिजल्ट ट्रू हो जाता है। और ये फॉल्स कब होगी बेटा? ये फॉल्स होगी पी एक्स वाई, बी एक्स वाई इज फॉल्स फॉर एवरी पेयर एक्स वाई, ठीक है। कि अगर तमाम जो पेयर्स हैं, तमाम वैल्यूज हैं पेयर की, वो फॉल्स हैं, तो फिर उस सूरत हाल में ये फॉल्स होगी, ठीक है जी। तो ये बेटा है ये क्वांटिफिकेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब इसकी एग्जांपल देखें कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू लॉजिकल एक्सप्रेशन, द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है जी। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन में, तो अगर हम इसको ऐसे फर्स्ट करें लिखें, पहले फॉर ऑल इंटीजर्स एक्स वाई, इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव देन एक्स प्लस वाई इज पॉजिटिव, ठीक है जी। तो इसको अगर हम बिल्कुल हम इसको ट्रांसलेट करें, इसको नेटिव आप कह दें कि लिटरल ट्रांसलेशन करें, तो इस तरह की होगी, ठीक है जी। तो अगर हम इसको वैसे करें तो फिर इसकी थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से करें, तो इसकी ट्रांसलेशन बेटा हमारे पास फिर ये होगी, फॉर ऑल एक्स, ठीक है, फॉर ऑल वाई एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है जी। और हमारे पास क्या है, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन जीरो, ठीक है जी। तो अगर ये हमारे पास डोमेन है इंटीजर्स की, और अगर हमारे पास डोमेन है पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो फिर हम ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, और ये फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन जीरो, ठीक है जी। इस तरीके से हम इसको मैंशन करेंगे, तो आपको डोमेन का मेंशन करना बहुत जरूरी है साथ साथ, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल है, इफ अ पर्सन इज अ स्टूडेंट
and is computer science major, then this person takes a course in mathematics. ठीक है जी, तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या करेंगे, प्रोपोजिशनल फंक्शन डिक्लेयर करेंगे. और पहला फंक्शन हमने डिक्लेयर किया एस ऑफ एक्स, इसका मतलब है एक्स इज अ स्टूडेंट. और उसके बाद सी ऑफ एक्स, एक्स इज अ कंप्यूटर साइंस मेजर. और उसके बाद एक और फंक्शन है टी एक्स वाई, एक्स टेक्स अ कोर्स वाई. ठीक है जी, जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो अब हमारे पास ये देखिए आ जाएगा फॉर ऑल एक्स. ठीक है, तो एस ऑफ एक्स कंजंक्शन सी ऑफ एक्स, यानी कि वो स्टूडेंट है और कंप्यूटर साइंस मेजर है, तो क्या होगा, देयर देन दिस पर्सन टेक्स अ कोर्स इन मैथमेटिक्स. ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट वाई टी एक्स कॉमा वाई. ठीक है, तो कम से कम हमारे पास क्या है, एक केस ऐसा है, कम से कम हमारे पास एक केस ऐसा है जिसमें स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स का कोर्स लेता है. ठीक है जी, तो डोमेन इसकी ऑल पीपल है. ठीक है जी, एक्स की और वाई की डोमेन है ऑल कोर्सेज इन मैथमेटिक्स. इसके बाद बेटा निगेशन है कि कैसे हम क्वांटिफायर को कैसे निगेट करते हैं. ये हमने डी मॉर्गन्स के लॉ ऑफ आर निगेशन पढ़े हुए हैं, तो उनको मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने लिखा हुआ है, इसको एक दफ़ा रिवीजन आप इसके देख लें कि अगर हमारे पास निगेशन है यूनिवर्सल की, यानी कि अगर ये स्टेटमेंट है फॉर ऑल एक्स पी एक्स, और इसकी निगेशन जब हम करेंगे तो क्या है, हमारे पास क्वांटिफायर चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल था तो यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल हो गया, और ये जो नेगेशन का साइन है ये जस्ट बिफोर प्रोपोजिशनल फंक्शन मूव हो चुका है. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अगर हमने नेगेशन करनी है एग्जिस्टेंशियल की, तो उसमें आप देखें कि हमारे पास क्वांटिफायर चेंज हो जाएगा और नेगेशन विल मूव जस्ट बिफोर द पी एक्स. ठीक है, जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है उससे पहले मूव कर देगी. ठीक है, लास्टली हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वट इज द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई. ठीक है जी, तो अब हमारे पास हमने इसकी नेगेशन लेते हैं, तो फॉर ऑल एक्स पी एक्स. ठीक है, फॉर ऑल एक्स तो ये आ गया, तो अभी आप कहेंगे सर ये पी एक्स कहाँ से आया, तो पी एक्स बेसिकली रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है, रेजिस्टेंशियल क्वांटिफायर y, देयर एग्जिस्ट y, x इज इक्वल टू माइनस y. ठीक है, इस सारी स्टेटमेंट को हमने पी एक्स के तौर पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया है, फॉर ऑल x पी एक्स. और जब इसकी हम नेगेशन करेंगे तो क्वांटिफायर चेंज हो जाएगा और नेगेशन विल मूव जस्ट बिफोर द पी एक्स. ठीक है जी, और जब हमारे पास ये मामला यहाँ तक आ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, जो अंदर वाली पी एक्स है आप इसको ओपन दोबारा से इसको ओपन कर लेंगे, और हमें पता है कि पी एक्स इसके बराबर है, तो हम पी एक्स को दोबारा से लिखेंगे. और जो अब इसकी नेगेशन आ गई है, जब इसकी एग्जिस्टेंशियल की नेगेशन आएगी तो हम क्या करेंगे, उसका क्वांटिफायर बेटा चेंज कर देंगे. अब हमारे पास जो क्वांटिफायर है वो क्या हो चुका है, अब अगेन यूनिवर्सल हो चुका है अंदर वाला जो नेस्टेड है, और नेगेशन का साइन जो है वो मूव कर चुका है जस्ट बिफोर एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई. ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस तरीके से है. तो अब यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उसके बाद लास्ट स्टेप में हम, हाँ जी यहाँ पे नॉट का ऑपरेटर नहीं है अवेलेबल, तो फिलहाल मैं इसको ना ऐसे नॉट लिख देता हूँ, लेकिन इसको आप इस तरीके से नॉट का ऑपरेटर मैंने लिख दिया, तो वैसे आप आमतौर पे इसका जो लिखने का है स्टाइल वो ये है कि इक्वल का साइन और उसके ऊपर क्रॉस लाइन करते हैं, एक लाइन क्रॉस करते हैं तो नॉट है, लेकिन फिलहाल एक ये भी तरीका है, तो अभी वो ऑपरेटर अवेलेबल नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ. जब ये नॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई आ गया, तो जब इस नॉट को हम इसके अंदर मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू, एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा. ठीक है, तो ये इस तरीके से देखिए हमने एक स्टेटमेंट को निगेट कर दिया, तो नेगेशन इसमें कैसे होगी, हमेशा
क्वांटिफायर चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। अगर यूनिवर्सल है तो एग्जिस्टेंशियल हो जाएगा, अगर एग्जिस्टेंशियल है तो यूनिवर्सल हो जाएगा, और नेगेशन का साइन मूव कर जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो ये हमारे पास सेक्शन 1.5 को हमने रिवाइज कर लिया है, इसको क्योंकि हमने एक दफ़ा देख लिया है। तो अब हम इस सेक्शन की एक्सरसाइज है उसको देखते हैं, ठीक है जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है जी, ट्रांसलेट दीज स्टेटमेंट्स इनटू इंग्लिश वेयर द डोमेन ऑफ फॉर ईच वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है जी। तो हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और हमारे पास जो डोमेन है वो रियल नंबर्स की है। तो पहली स्टेटमेंट को एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या है, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, एक्स लेस देन वाई, ठीक है जी। तो इसको हमने अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे जी इसको, ठीक है। इसको फॉर ऑल एक्स और फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको बेटा, हम टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। हाँ जी, इसके अंदर लिखने के लिए मैं इसको इसको टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ले आया हूँ। तो इसका कैसे लिख सकते हैं, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स देयर एग्जिस्ट वाई वेयर एक्स इज लेस देन वाई, ठीक है जी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा, एक आप कह दें सादा सा तरीका है जिस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसी तरीके से जो बाकी इसके पार्ट्स हैं उसको भी हम लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट है उसमें है कि फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो कंजंक्शन, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, द होल स्टेटमेंट इम्प्लाइज एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स एंड एवरी रियल नंबर वाई, यस ठीक है। इफ एक्स एंड वाई आर बोथ नॉन नेगेटिव, ठीक है। हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं कि इफ एक्स और वाई आर बोथ नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इसलिए है कि वो दोनों जीरो या जीरो से बड़े हैं, या दोनों को लेदर लेदर करके भी लिख सकते हैं कि इफ एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, ठीक है। देन क्या होगा कि एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो, देन देयर प्रोडक्ट इज नॉन नेगेटिव, या हम इसको कह सकते हैं कि देयर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऐसे ही बाकी सी पार्ट भी आप कर लेंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास है सेक्शन क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या कहा जा रहा है जी, लेट क्यू एक्स कॉमा वाई, लेट क्यू एक्स कॉमा वाई बी द स्टेटमेंट, एक्स हैज सेंट एन ईमेल मैसेज टू वाई वेयर द डोमेन फॉर बोथ एक्स एंड वाई कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, एक्सप्रेस ईच ऑफ दीज क्वांटिफिकेशंस इन इंग्लिश, ठीक है। तो जो हमारे पास प्रपोजिशनल फंक्शन है, इट कंसिस्ट ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एंड द प्रपोजिशनल फंक्शन स्टेट्स दैट एक्स हैज सेंट एन ईमेल मैसेज टू वाई, ठीक है जी, और इसकी डोमेन है आपकी क्लास। तो अब हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, एक एक करके देखते हैं इसमें। तो हमारे पास सबसे पहला ए पार्ट है, देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट वाई क्यू एक्स वाई, ठीक है जी। तो कोई स्टूडेंट है जो कर सकता है इसकी ट्रांसलेशन, आप में से बेटा कोई स्टूडेंट है जो इसकी ट्रांसलेशन कर सकता है, यहाँ पे कौन सा क्वांटिफायर आ रहा है,
रेजिस्टेंशियल क्वांटिफायर आ रहा है। देयर एग्जिस्ट एक्स एंड देयर सर इसका एग्जिस्ट ये हो जाएगा वाई। ना कि एंड वाई, यस देयर एग्जिस्ट एक्स सच एंड वाई, दैट के एक्स जहाँ होगा ना देयर एग्जिस्ट एक्स सच एंड दैट वाई। एक्स हैज सेंट मैसेज, यस सर, एक्स हैज सेंड अ मैसेज, एंड सच दैट ईमेल एक्स हैज मैसेज सेंट मैसेज टू वन, हाँ ईमेल वन। मैसेज टू वाई। ठीक है शाबाश। देखें बहुत इजी है ना, थोड़ा सा अभी शायद डर है या थोड़ा सा लैक ऑफ प्रैक्टिस है, तो आप शायद समझ लें कि ये पता नहीं क्या क्या मुश्किल काम है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है ये जो आप पढ़ रहे हैं, इसको आप देखें कि आप थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे ना, तो आप आपको लगेगा कि आप तो डेली लाइफ की हर चीज को क्वांटिफाई कर सकते हैं। और बेसिकली ये इसका मकसद भी यही है। ठीक है, प्रोपोजिशनल लॉजिक हम जो पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल लॉजिक पढ़ रहे हैं, तो इसका अगर आप बेटर मतलब आपसे अगर कोई पूछे या आप खुद समझना चाहें कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या बेनिफिट है इसका, तो बेटा इसका एक जो बेनिफिट ये भी है कि अब हम दुनिया का नॉलेज है, इतना ज़्यादा नॉलेज है, अब वो कैलकुलेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं है, बड़ा सब्जेक्टिव टाइप है, लाइंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब ये सारा नॉलेज हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कंप्यूटर्स को, कि हम कहते हैं कि यार कंप्यूटर को ये नॉलेज ट्रांसफ़र कर दें और कंप्यूटर भी ऐसे ही डिसीजन मेकिंग करे, ऐसे ही लर्निंग करे जैसे हमारे पास हम इंसान करते हैं। ठीक है जी, तो अब प्रॉब्लम ये है कि अब इस कैसे ये दुनिया का इतना नॉलेज है इसको कैसे ट्रांसफर करें कंप्यूटर को, कैसे ट्रांसफर करें। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कोई वे होना चाहिए, कोई ऐसी कॉमन स्पीकिंग लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए कि जो हमें भी समझ आ रही हो और कंप्यूटर को भी समझ आ रही हो। तो उसमें से एक वे ये हो सकता है कि जैसे हमारे पास ये प्रेडिकेट लॉजिक एक कॉमन प्लेटफॉर्म आप कह दें, लैंग्वेज कह दें, ठीक है, जिसमें हम अपना नॉलेज ट्रांसफर करते हैं और फिर ये कंप्यूटर भी इसको अंडरस्टैंड कर सकता है एग्जैक्टली। और इसका जो मेन बेनिफिट है कि ये जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है जैसे उर्दू है, पंजाबी है, इंग्लिश है, इसमें बहुत ज़्यादा एम्बिगुइटी पाई जाती है। ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे अक्सर ऐसा हो रहा होता है कि जी हम कोई बात करता है, हमारा कोई लीडर बात करता है, हम कोई बात करते हैं, तो सुनने वाला जो है ना अपनी मर्जी से उसको समझता है या अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको समझता है और फिर कहता है कि तुमने तो ये कहा था, तो आप फिर एक्सप्लेन करते हैं कि जी मैंने तो नहीं कहा था, मेरा तो मकसद ये था, मैं तो ये कहना चाह रहा था, आपको गलत समझ आई। वजह यही थी कि जो हमारी लैंग्वेज है नेचुरल लैंग्वेज वो बड़ी वेग है। ठीक है, हमें उसमें एम्बिग्युटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर कट मैसेज अक्सर जो है हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो हमें कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। कंप्यूटर तो भाई 0-1 की फॉर्म में चलता है, उसको तो आप एग्जैक्ट बताओ भी ये करना है ये नहीं करना, तो उसके इस उसके साथ ये आप नहीं कर सकते। तो फिर उसका एक वे ये है कि हम उसको प्रैक्टिकल लॉजिक की फॉर्म में अपना नॉलेज दे दें, ट्रांसफर कर दें और उसको एग्जैक्टली बताएं कि क्या मतलब है इस चीज़ का। ठीक है, तो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स भी इजीली कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। लेट डब्ल्यू एक्स वाई मीन दैट स्टूडेंट एक्स हैज विजिटेड वेबसाइट वाई वेयर द डोमेन फॉर एक्स consists of all students in your class and the domain for y consists of all websites. Express each of these statements by a simple English sentence. ठीक है जी, इसको हमें simple English sentence की form में mention करना है। ठीक है जी, तो अब हमारे पास पहली statement है W सारा स्मिथ कॉमा www.att.com। तो आप में कौन इसको ट्रांसलेट करेगा बेटा, इंग्लिश में कर सकता है कोई स्टूडेंट ट्रांसलेट? यस सर जी करें जरा। सर सिंपली सारा स्मिथ हैज विजिटेड वेबसाइट
aatt.com। शाबाश शाबाश बेटा। अच्छा अब इस बी पार्ट है कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एक्स डब्ल्यू एक्स कामा डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट आई एम डी बी डॉट ओ आर जी। तो अगर आपने इसको करना हो ट्रांसलेट तो कैसे करेंगे सर? इसका हो जाएगा फॉर एग्जिस्ट एक्स देर, हाँ देर एग्जिस्ट, इसको कहते हैं जो क्वांटिफाई है हमारे पास एग्जिस्टेंशियल, उसको ऐसे बोलेंगे देर एग्जिस्ट एक्स सच डेट हाँ एक्स एक्स हैज विजिटेड हाँ एक्स हैज विजिटेड व्हाट www.imdb.org। हाँ शाबाश शाबाश। अच्छा आप इसमें थोड़ा सा मुश्किल भी करते हैं ठीक है। आप एफ पार्ट, एफ पार्ट मुझे कौन करके बताएगा जी, एफ एफ को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? एफ पार्ट हाँ जी, देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल जी एक्स नॉट इक्वल टू वाई कंजंक्शन वाई, उसके बाद है डब्ल्यू एक्स कॉमा जी इफ एंड ओनली इफ डब्ल्यू वाई कॉमा जी। सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ तो कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई चीज हो ना तो उसका हल क्या होता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें ठीक है, ऐसे स्मॉल यूनिट्स में उसको स्मॉल जंक्स में डिवाइड कर लें, फिर उनको सॉल्व करें और फिर फाइनली जो एक फाइनल रिजल्ट है ना उसको आप लिख दें या बता दें ठीक है। तो अब इसमें आपने देखना है ये सारे इतने बड़े स्टेटमेंट हैं और इतने लॉजिकल ऑपरेटर्स और क्वांटिफायर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तुम समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। तो इसको समझने के लिए पहले हम उसके पार्ट्स को समझें, छोटे छोटे पार्ट्स को। अब फॉर एग्जांपल ये जो मैं इसको समझता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई ठीक है, ये एक छोटा सा पार्ट है, तो ये समझना कोई मसला तो नहीं है ना, ये तो बहुत ही आसान है कि छोटा सा बच्चा भी कह देगा कि जी एक्स जो है ना वो वाई के इक्वल नहीं है, इस चीज की तो समझ आ गई ना ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब ये लिखा हुआ कि डब्ल्यू एक्स कॉमा जी ठीक है, तो इसका भी हमें डब्ल्यू जो फंक्शनल है प्रोपोजिशनल फंक्शन, इसकी भी हमें समझ आई यार ये जो इसका मतलब है कि ये कि एक्स हैज विजिटेड सम वेबसाइट वाई, एक्स हैज विजिटेड वेबसाइट वाई ठीक है, तो यहाँ पे एक्स ने क्या विजिट किया है, जी को विजिट किया है ठीक है, एक्स ने जी को विजिट किया है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वाई ने जी को विजिट किया है ठीक है, तो यहाँ पे एक्स ने जी को विजिट किया है, यहाँ पे वाई ने जी को विजिट किया है, और बीच में आ रहा है इफ एंड ओनली इफ ऑपरेटर ठीक है जी। तो इसको मैं अगर तीनों को मिला दूं तो ये आ जाएगा एक्स ने जी को विजिट किया है इफ एंड ओनली इफ वाई ने जी को विजिट किया है। इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब है कि एक्स ने जी को विजिट किया है इफ एंड ओनली इफ वाई ने जी को विजिट किया है, और इस पहले का मैं देख चुका हूं कि एक्स जो है ना वो वाई के बराबर नहीं है ठीक है, तो ये एक्स कोई और पर्सन है वाई कोई और पर्सन है ठीक है, और इसमें अब आ रहा है कंजंक्शन ऑपरेटर ठीक है, तो हमारे पास ये है कि एक्स और वाई कोई दो डिफरेंट लोग हैं ठीक है जी, एक्स और वाई कोई दो डिफरेंट लोग हैं और उन्होंने क्या किया है, अगर एक्स ने जी साइड को विजिट किया है तो वाई ने भी जी साइड को विजिट किया ठीक है। देखें इतने आप आराम से इसको कर सकते हैं सॉल्व, अगर आप इसको परेशान ना हो पहली नजर में देख के आप कहेंगे पता नहीं क्या मुश्किल काम हो रहा है, और फिर उसके बाद आप इसको पार्ट बाय पार्ट छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दें ठीक है, अगर आप इनको करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगी, अगर आप एक ही दफा सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वो सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी ठीक है। तो इसको सिंपल इंग्लिश में हम कह सकते हैं देयर आर टू डिफरेंट पीपल हु हैव विजिटेड एग्जैक्टली द सेम वेबसाइट ठीक है, अगर एक्स ने जी को विजिट किया तो वाई ने भी जी को विजिट किया है ठीक है जी, तो इसको हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से प्लेन और सिंपल इंग्लिश में नहीं भी ट्रांसफर कर सकते तो आप इसको लिटरल सेंस में भी ट्रांसफर इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं ठीक है जी, के फॉर एव देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट सम वेबसाइट जी ठीक है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि वन ऑफ दीज पीपल हैव विजिटेड जी इफ एंड ओनली इफ
द अदर पर्सन हैज विजिटेड जी। ठीक है, इस तरीके से लिटरल ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके इंग्लिश में लिख के बता दें तो वो भी ठीक है, दोनों तरीकों से ठीक है। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन को, देख लेते हैं जरा उसमें क्या है जी। क्वेश्चन नंबर है 7, तो क्या कह रहा है 7 जी। लेट टी एक्स वाई मीन दैट स्टूडेंट एक्स लाइक्स कुजीन वाई, वेयर द डोमेन फॉर एक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एट योर स्कूल एंड डोमेन फॉर वाई consists of all cuisines, express each of these statements by a simple English sentence. Cuisines होते हैं खाने जिसे होते हैं, ठीक है, English cuisines हैं, continental हैं, हमारे पास Chinese है, Korean है, desi and so on so forth. ठीक है, तो TXY का मतलब है कि X student X likes cuisine Y. ठीक है जी, तो पहली statement को देखें, नेगेशन ऑफ टी अब्दुल्ला हुसैन कॉमा जैपनीज, तो क्या इसको ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में तो क्या होगी इसकी? डज नॉट लाइक, हाँ कौन डज नॉट लाइक, अब्दुल्ला हुसैन डज नॉट लाइक कुजीन जैपनीज कुजीन, हाँ अब्दुल्ला हुसैन डज नॉट लाइक जैपनीज कुजीन। ठीक है जी, तो इसका बी पार्ट करना चाहें तो फिर कैसे होगा? अच्छा, इसको आप देखें दो पार्ट्स में डिवाइड करें, यहाँ पे आ रही है कंजक्शन, ठीक है, अब मुश्किल हो गया ना थोड़ा सा, तो आप इसको पार्ट्स में डिवाइड करें। कंजक्शन आ रही है तो इसका मतलब ये पार्ट अलहदा है, ये पार्ट अलहदा है, हम इन दोनों पार्ट्स को ट्रांसलेट करते हैं फिर आखिर में कंजक्शन के थ्रू उनको मिला दें। ठीक हो गया, तो अब इस पहले पार्ट को जरा देखिए, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्स टी एक्स कोरियन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट एक्स इन योर, हाँ जी इन योर स्कूल, क्योंकि यहाँ पे डोमेन क्या है, आपका स्कूल है। देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट एक्स इन योर स्कूल, एक्स लाइक्स कोरियन कुजीन, ठीक है, जो हमारे पास एक्स स्टूडेंट्स हैं वो लाइक क्या करते हैं, क्या लाइक करते हैं बेटा, कोरियन कुजीन को पसंद करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये दूसरा पार्ट है कि देयर एग्जिस्ट सम ऑल फॉर एवरी स्टूडेंट एक्स इन योर स्कूल, ऑल आ रहा है ये एवरी है, ठीक है, फॉर ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल टी एक्स मैक्सिकन, ठीक है, कि ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, ऑल स्टूडेंट लाइक्स मैक्सिकन कुजीन। ठीक है जी, अब हमें पता चल गया कि कुछ स्टूडेंट है वो कोरियन को पसंद करते हैं, कुजीन को पसंद करते हैं, और तमाम स्टूडेंट जो हैं वो मैक्सिकन कुजीन को पसंद करते हैं, और इन दोनों के दरमियान कौन सा ऑपरेटर आ रहा है, कंजंक्शन का ऑपरेटर आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको एक ही सेंटेंस के अंदर इसको हमने मेंशन करना है, तो कैसे करेंगे, सम स्टूडेंट एट योर स्कूल लाइक्स कोरियन कुजीन, कंजंक्शन आ रही है तो उसको हम एंड कहेंगे, एंड Everyone at your school likes Mexican cuisine. ठीक है जी, तो कुछ कोरियन कुजीन को पसंद करते हैं और कुछ मैक्सिकन कुजीन को पसंद करते हैं। ठीक हो गया जी, तो इस तरीके से आप आई होप के आप बाकी पार्ट्स भी कर लेंगे। ठीक है, इसको पहले पार्ट्स में करें फिर एज ए होल उसको कन्वर्ट करें तो आपको ईजी लगेगा। ठीक है जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें Let x, y be the statement x loves y, where the domain for both x and y consists of all people in the world. Use quantifiers to express each of these statements. Everybody loves Jerry. Everyone loves somebody. There is somebody whom everybody loves. ठीक है, तो and so on. ये हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, इसमें आपने जी और एच स्टेटमेंट को नहीं करना है। ठीक है, जी और एच स्टेटमेंट्स को आपने नहीं करना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड ऑपरेटर्स हैं तो हमने उनको स्किप किया हुआ है, तो इसलिए दोनों को आपने नहीं करना है। तो हम इसमें से एक आधा करके आपको
डिस्कस कर लेते हैं और बाकी आपने खुद ही करने हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब पहला देखें, एवरीबॉडी लव्स जेरी। एवरीबॉडी आ गया है तो मुझे बताएं कि इसमें कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल होगा, यूनिवर्सल या एक्सटेंशन? यूनिवर्सल। हाँ, शाबाश। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर हम इस्तेमाल करेंगे वो यूनिवर्सल होगा, तो फॉर एवरीबॉडी, फॉर ऑल एक्स, और फर्ज करें फॉर ऑल एक्स, और हमारे पास यहाँ पे जो प्रोपोजिशनल यहाँ पे हमारे पास प्रोपोजिशनल फंक्शन जो आ रहा है वो एल आ रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम एल लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स एल। अब कौन किससे करता है प्यार, ठीक है, एवरीबॉडी, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स कह रहे हैं, ये हमारे पास एवरीबॉडी है और वो किससे प्यार करता है, जेरी, ठीक। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ अगली स्टेटमेंट है, एवरीबॉडी लव्स समबॉडी, ठीक है। तो अब इसमें मुझे बताएं कि क्या यहाँ पे आएगा, कौन से हमारे पास क्वांटिफायर्स यहाँ पे आएंगे? हाँ जी, क्या क्वांटिफायर्स आएंगे बेटा? एवरीबॉडी सर दोनों है। हाँ, एवरीबॉडी, फॉर ऑल एक्स, लव somebody, ठीक है, somebody इसका मतलब है कि existential quantifier आएगा, ठीक है, कोई ना कोई, there exists y, उसके बाद हम function ले आएंगे l और x, x आ जाएगा और comma y आ जाएगा, ठीक है, everybody loves somebody, इस तरीके से हम इसको represent कर सकते, ठीक है, तो इसको practice करेंगे तो आपके लिए बड़ा easy हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा question number 11 है, Let SX be the predicate. X is the student, FX the predicate, X is the faculty member, and AXY the predicate. X has asked Y a question, where the domain consists of all people associated with your school. Use quantifiers to express each of these statements. ठीक है, तो आपने क्वांटिफायर के को इस्तेमाल करते हुए तो आपने स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करना है, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे जी बेटा, पहली ए पार्ट है, लुइस हैज आस्क्ड प्रोफेसर माइकल्स अ क्वेश्चन, ठीक है, तो लुइस ने प्रोफेसर माइकल से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे अंडरस्टूड सी बात है या हम इजीली इसको समझ सकते हैं कि जो लुइस है वो कुछ स्टूडेंट ही होगा जिसने प्रोफेसर से क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रेडिकेट्स हैं ए एक्स कॉमा वाई, तो ये प्रेडिकेट क्या कहता है, एक्स हैज आस्क्ड द क्वेश्चन, ठीक है जी। तो हम इसको सिंपली यहाँ पे ऐसे मैंशन कर सकते हैं कि हमारे पास हम इसको क्या क्या करेंगे, लिखेंगे फंक्शन, हाँ जो प्रेडिकेट फंक्शन है वो कैसे लिखेंगे, ए और एक्स को रिप्लेस करेगा लुइस, एल आई एल लुइस, और उसके बाद प्रोफेसर माइकल, ये मैं इसको शार्ट करके लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसको इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, एवरी स्टूडेंट हैज आस्क्ड प्रोफेसर ग्रॉस अ क्वेश्चन, एवरी स्टूडेंट, तो बताएं जल्दी से, एवरी आ गया तो क्या कौन सा क्वांटिफायर आएगा, यूनिवर्सल, हाँ शाबाश, ठीक है। तो ये आप आई होप सम स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे आ रहा है, सम स्टूडेंट आ रहे हैं, तो ये कौन सा क्वांटिफायर आएगा, एग्जिस्टेंशियल, हाँ शाबाश। देयर इज अ फैकल्टी मेंबर, यहाँ पे कौन सा क्वांटिफायर आएगा, देयर इज अ फैकल्टी मेंबर, क्या बात, सम स्टूडेंट्स, सर वो एग्जिस्टेंशियल, देयर इज अ फैकल्टी मेंबर, सम स्टूडेंट्स, एग्जिस्टेंशियल, ठीक है। तो इन आखिरी जितने भी तीन चार हमने देखे हैं सब में एग्जिस्टेंशियल आ रहा है, ठीक है जी, शाबाश, आपने अच्छा पिक किया है, आई होप कि आपको समझ आ गई है। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं, तो क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13,
let m x comma y be x has sent y an email message and t x y be x has telephoned y, where the domain consists of all students in your class. Use quantifiers to express each of these statements. Assume that all email messages that we were sent are received, which is not the way things often work. ठीक है, तो अब हमारे पास दो predicates हैं m और t, और हमारे पास पहला part है जो क्या कहता है बेटा, पहला पार्ट क्या कह रहा है जी, कि चू हैज नेवर सेंट एन ईमेल मैसेज टू कुको. ठीक है, तो चू हैज नेवर सेंट एन ईमेल मैसेज टू कुको, तो हम नेवर को अभी एक लम्हे के लिए भूल जाते हैं, तो हम कहते हैं चू हैज सेंड एन ईमेल मैसेज टू कुको. तो यहाँ पे कोई ऐसा प्रेडिकेट है जिसमें मैसेज सेंड हो रहा है, कौन सा है, एम वाला है. ठीक है, हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू है सेंड एंड ईमेल मैसेज टू कुको, तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे एम, और चू ने भेजा है तो एस एच ओ यू, और किसको भेजा है, कुको, सी ओ के ओ के ओ. ठीक, अब जो नेवर को हमने इग्नोर किया था उसको दोबारा हम एंट्री दें, तो यहाँ पे इसकी सिंपल क्या होगा, नेगेशन हो जाएगी. ठीक है, तो ऐसे ही बाकी हैं, तो अभी टाइम शॉर्ट है, तो मैं कह रहा हूँ जल्दी से मैं एक दफ़ा गो थ्रू हो जाऊँ सबसे, तो फिर उसके बाद आपका क्विज भी है. ठीक है जी, तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15. यूज क्वांटिफायर्स एंड प्रेडिकेट्स विद मोर देन वन वेरिएबल्स टू एक्सप्रेस दीज स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो अब इसको इसमें थोड़ा सा आपको पिछले क्वेश्चन में प्रेडिकेट्स आपको दिए जाते थे तो काम थोड़ा सा ईजी हो जाता था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 में आपको प्रेडिकेट्स खुद से डिजाइन करने हैं, खुद से बताने हैं, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप तो खुद से कोई भी प्रेडिकेट अपनी मर्जी से आप उसका नाम रख सकते हैं. ठीक है, तो पहला है एवरी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट नीड्स अ कोर्स इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. ठीक है जी, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं कि ठीक है, जिसको हम कहते हैं एन नीड्स का एन के हिसाब से बना लेते हैं, या कोई और भी नाम रख लें आपकी मर्जी है, एन एक्स वाई, तो एक्स नीड्स अ कोर्स इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. ठीक है, तो इसमें हम इसको कहेंगे कि एक्स नीड्स अ कोर्स. ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्टूडेंट होगा. ठीक है, और y हमारे पास कोर्स होगा, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं दोनों को, x y को. ठीक है, तो अब हमने इसको पहली को ट्रांसलेट करना है, तो पहली ट्रांसलेट कैसे होगी, n. ठीक है जी, एवरी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, एवरी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, फॉर ऑल x, n x आ जाएगा, कमा डिस्क्रीट मैथ. ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रीट मैथ ऐसे लिखते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया, तो इसको अब बाकी स्टेटमेंट्स हैं उसको भी आप ऐसे ही इसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 में आ गए हम, इसको आपने करना है, सारे पार्ट्स को करना है 15 के, और 17 के बेटा ए और डी पार्ट को नहीं करना आपने, 17 के ए और डी पार्ट को नहीं करना, बाकी सर जो दो पार्ट्स है उसको आपने करना है, वो सेम ही है. उसके बाद है ईच एक्सप्रेस ईच ऑफ दी स्टेटमेंट यूजिंग मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेटर, ये भी सेम ही है. उसके बाद 21 है यूज प्रेडिकेट क्वांटिफायर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स टू एक्सप्रेस द स्टेटमेंट दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फोर इंटीजर्स. ठीक है, ये भी आप इसको कर लेंगे. 23 भी ऐसा ही है, उसमें सी पार्ट आपने करना, इसमें आपने थोड़ा सा और किया होगा अगर, तो जो येलो मैंने किए हुए हैं वो आपने नहीं करने, उसमें एग्जैक्टली का वर्ड आ रहा है. ठीक है, तो वो एग्जैक्टली का ऑपरेटर हमने स्किप किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ एग्जैक्टली के वर्ड के साथ अगर कोई आ रहा है प्रपोजिशन तो उसको आपने नहीं करना. उसके बाद है 25 क्वेश्चन, उसको भी आपने ट्रांसलेट करना है. ठीक है, 27 क्वेश्चन है, उसको भी करना है. उसके बाद 28 है डिटरमिन ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ स्टेटमेंट इफ द डोमेन ऑफ ईच वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स.
इसकी ट्रुथ वैल्यूज आपने बतानी है कि ये क्या है, ठीक है। तो अगर डोमेन हमारा नहीं 28 नहीं करना है, 29 करना है। सपोज अ डोमेन ऑफ प्रोपोजिशनल फंक्शन पी एक्स वाई कंसिस्ट ऑफ पेयर्स एक्स वाई वेयर एक्स इज 1 to 3 एंड वाई इज 1 to 3। राइट आउट दीज प्रोपोजिशन यूजिंग कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन, ठीक है जी। तो आपको पता है कि क्वांटिफायर्स के बिहाइंड हमारे पास कंजंक्शन और डिसजंक्शंस इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल जो क्वांटिफायर उसके बिहाइंड हमारे पास कंजंक्शन का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, और जो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो दूसरा है क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल, उसके बिहाइंड डिसजंक्शन का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। तो अब अगर हमने ये लिखना है पी एक्स फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल बाय पी एक्स वाई, और हमने हमारे पास ऊपर एक्स वाई की वैल्यूज गिवन है, तो अगर हमने इसको ऑपरेटर में को इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसको बेटा? हम इसको इस तरीके, ये जो ये है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पी वन वन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ऑपरेटर कौन सा है, उसके बाद बेटा हमारे पास ऑपरेटर है कंजंक्शन का, ठीक है। फिर उसके बाद पी वन टू लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ऑपरेटर कंजंक्शन का है, फिर पी वन थ्री लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर ऑपरेटर कंजंक्शन का है, फिर आप पी टू के साथ शुरू हो जाएगा, ठीक है। पी टू टू आएगा वन, फिर उसके बाद पी टू टू आ जाएगा, फिर पी टू थ्री आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्टली हमारे पास फिर हम जो एक्स है वो चेंज हो जाएगा, वो थ्री हो जाएगा। तो पी थ्री कॉमा वन आ जाएगा, फिर पी थ्री टू आ जाएगा, फिर पी थ्री थ्री आ जाएगा। और इस सब के दरमियान में हमारे पास जो ऑपरेटर इस्तेमाल होगा वो कौन सा इस्तेमाल होगा? कंजंक्शन का, ठीक है। और जो बी है उसमें जो हमारे पास ऑपरेटर इस्तेमाल होगा वो कौन सा इस्तेमाल होगा? डिसजंक्शन का, ठीक है। सी में कौन सा इस्तेमाल होगा? सी में दोनों ऑपरेटर इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो कैसे होंगे? तो जो सी है उसमें जो फॉर ऑल y p x y, ठीक है, ये जो नेस्टेड है, तो ये नेस्टेड के अंदर हमारे पास कौन सा ऑपरेटर होगा? ये नेस्टेड के अंदर हमारे पास जो ऑपरेटर इस्तेमाल होगा वो होगा कंजंक्शन का। और फिर ये तीन तीन हमारे पास बनेंगे फंक्शंस, और उन तीन तीन को डिसजंक्शन के थ्रू हम मिला देंगे, ठीक है। तो ये इसका नेस्टेड में इसके अंदर इस्तेमाल होगा हमारे पास डिसजंक्शन का, और इसको मिलाएंगे कैसे? कंजंक्शन के ऑपरेटर के साथ, ठीक है जी। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, आपने क्या करना है इनका बेटा? इनकी नेगेशन करनी है, इन स्टेटमेंट्स की नेगेशन करनी है। तो कैसे नेगेशन करेंगे? आपने जो नेगेशन का हमने ऑपरेटर पढ़ा था और आपका डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू हमने देखा था, तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे जब नेगेशन अप्लाई करेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे बेटा? हाँ जी, क्या करेंगे? सिंपली हम नेगेशन के ऑपरेटर को मूव करेंगे और जो हमारे पास क्वांटिफायर्स हैं उनको चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ये पहली स्टेटमेंट है, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, ए फॉर ऑल जी टी एक्स वाई जी, ठीक है। तो जब इसकी नेगेशन करेंगे तो सबसे पहले हम इसके बाहर एक नेगेशन का ऑपरेटर ले आएंगे, ठीक है। तो अब अगली स्टेटमेंट में क्या होगा? जो बाहर वाला ऑपरेटर है ना, ये चेंज हो जाएगा, तो ये अब एग्जिस्टेंशियल हो जाएगा, ठीक है। और देयर एग्जिस्ट एक्स, और जो हमारा ऑपरेटर है इधर मूव कर देगा, बाकी एज इज आ जाएगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगली स्टेटमेंट में क्या होगा कि ये जो दूसरा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है ना, अब ये चेंज हो जाएगा, तो अब क्या होगा? देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल y, ठीक है जी। उसके बाद नेगेशन का ऑपरेटर आ जाएगा, और फिर बाकी जो स्टेटमेंट है एज इज आ जाएगी, ठीक है।
तीसरी फेज में ये तीसरा क्वांटिफायर चेंज होगा, तो अब ये क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई, और अब ये देयर एग्जिस्ट जी आ जाएगा, ठीक है, देयर एग्जिस्ट जी, और क्वांटिफायर जो नेगेशन का ऑपरेटर आ जाएगा, उसके बाद टी आ जाएगा, और टी के बाद उसका जो वैल्यूज हैं वो आ जाएगा। देखें स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक करके सबको इसको मूव किया है, जो नेगेशन का ऑपरेटर है उसको एक एक करके एक एक स्टेप में तीनों क्वांटिफायर्स को ऊपर मूव किया, ये फाइनली ये जो आखिरी स्टेटमेंट है ये हमारे पास नेगेशन की स्टेटमेंट है। ठीक हो गया बेटा, तो इससे ही आपने क्वेश्चन 33, 35 और लास्ट क्वेश्चन आपने करना है 37, ठीक है, तो 37 तक आपने क्वेश्चन करने हैं, तो ये ए 37 का ए पार्ट आपने नहीं करना, बाकी पार्ट्स आपने करने हैं, ठीक है जी। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू द एक्सरसाइज 1.5।